वकील को आप समझा सकते हैं, हमको समझा सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, उसको आप सही जगह पे नहीं ला सकते। उनका व्यवस्था समाज में क्यों किया गया कि क्राइम को रोका जाए? आप तो क्राइम को ही बैठ के कुर्सी पे एसी वाला रूम में बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों क्यों प्रशासन का बागडोर आप कपाड़ पे लिए हैं? क्राइम ही कीजिए, उससे अच्छा है। इस सारा क्राइम को पुलिस वाला जन्म, जो ब्रोकरिंग चलता है, सरासरी सारा ब्रोकर को हम इल्जाम नहीं दे रहे हैं, जो ब्रोकर इस जमीन में इन्वॉल्व है, जो इस जमीन को जोता है, इनडायरेक्टली ब्रोकर बोला भी है कहीं ना कहीं कि हम इनका पति को उठवाएं तब इनका खेत जोतें। अच्छा, ऐसा मतलब धंधेली चल रहा है और प्रशासन कान में तेल डाल के सुन रहा है और सो रहा है, क्योंकि उसको तो मोटा रकम उसका पैकेट गरम कर दिया गया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा सच्चाई का कोई मोल नहीं है प्रशासन के पास, मेरा सच्चाई का कोई मोल नहीं है, मेरा एविडेंस का कोई मोल नहीं है। इसके आधार पे हम चाहते हैं कि मेरे पति के केस में सीबीआई जांच बैठे और हम सीबीआई जांच करवाना। कसूर होने के बावजूद, मेरे पास एविडेंस होने के बावजूद, ऐसा कानूनी व्यवस्था किस काम का जो कि बेकसूर की पत्नी को 3 बच्चा लेके हर प्रशासन के पास दर बदर ठोकर खाना पड़े? ऐसा प्रशासन को हम बोलते हैं ताला लगवाइए। प्रशासन का समाज में जरूरी नहीं है, क्रिमिनल ही अब प्रशासन चल। इस पे हमसे अच्छा 5-10 मिनट तक डीएसपी सर से बहस भी हुआ, उस साफ साफ तौर पे इनकार कर दी हमको, बोले कि आपका हस्बैंड को हम इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, आप अच्छा सा वकील कीजिए। हम बोले वकील की, मैं आनंद जोशी बोला वकील की, वकील कैसे केस लड़ रहा है जो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? बोला सर, जो हम लोग वकील अफोर्ड करेंगे, जो हम लोगों के लायक में होगा, हम लोगों के पास अनाप शनाप पैसा नहीं है ना है कि 50-25 कहीं डाल देंगे और लंबा चौड़ा वकील कर लेंगे जो कि केस लड़ने में एक्सपर्ट हो। जैसा हम लोग अफोर्ड करेंगे वैसा ही ना वकील करेंगे, जो हम लोगों के समझ में आया वैसा वकील किए हम लोग। कहता वकील को लेके आप आइए यहाँ पे, वकील को बताएंगे कि कैसे केस लड़ना है। बोले ओ, वकील को आप समझा सकते हैं, हमको समझा सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, उसको आप सही जगह पे नहीं ला सकते हैं। जो गलत है उसको गलत नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस को किस लिए, प्रशासन क्यों, प्रशासन का व्यवस्था समाज में क्यों किया गया कि क्राइम को रोका जाए? आप तो क्राइम को ही बैठ के कुर्सी पे एसी वाला रूम में बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों क्यों प्रशासन का बागडोर आप कपाड़ पे लिए हैं? क्राइम ही कीजिए, उससे अच्छा है। बिल्कुल, इस सारा क्राइम को पुलिस वाला जन्म देता है, पुलिस वाले के आरक्षण में ही इतना इतना क्राइम को बढ़ावा मिलता है। आज घूस मिला तो मेरा पति को अंदर डाल दिया, कल घूस मिलेगा आपका किसी परिजन का डाल देगा और किसी को डाल देगा। ऐसे में जो वहां से जेल में जो रह के सजा काट के बिना दोष का आएगा, वो तो ऑटोमेटिक उसका माइंड में कहीं ना कहीं बैठेगा कि बिना दोष किए हुए अगर हमको सजा मिला, इससे अच्छा है कि हम दोष करके जेल जाएं। गलत काम में इनकम है, सबको पता है, तो क्यों नहीं उसका माइंड में, एक आम इंसान को उग्रवादी कौन बनने पे मजबूर कर रहा है? उसका माइंड में कौन ऐसा गलत सलत बात डाल रहा है? प्रशासन ही ना डाल रहा है कि आप गोली बारूद रखिए, जो नहीं भी रख रहा है ना, प्रशासन का कहना है कि आप गोली बारूद रखिए, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आज मेरा पति इनोसेंट होते हुए भी एक देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस की वजह से आज 3 बच्चा लेके उनका इंसाफ मांगने के लिए कभी डीएसपी के पास, कभी एसपी के पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, अगर हमको पूर्णिया से नहीं इंसाफ मिलता है तो हमको हाईकोर्ट जाना होगा। अगर यहाँ हमको बेल नहीं मिलता है तो मेरा पति को बेकसूर होने के बावजूद, मेरे पास एविडेंस होने के बावजूद, ऐसा कानूनी व्यवस्था किस काम का जो कि बेकसूर की पत्नी को 3 बच्चा लेके हर प्रशासन के पास दर बदर ठोकर खाना पड़े? ऐसा प्रशासन को हम बोलते हैं ताला लगवाइए। प्रशासन का समाज में जरूरी नहीं है, क्रिमिनल ही अब प्रशासन चलाएगा। जब क्रिमिनल का ही दबाव चलता है, क्रिमिनल की ही बात पे 2-4 लाख रुपया लेके आप आम जनता को परेशान करते हैं, तो आप प्रशासन बंद कीजिए और क्रिमिनल को ही देश चलाने दीजिए। आज नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है कि कैसे कैसे उनका अधिकारी किस किस तरह से गलत उपयोग कर रहा है, एक आम जनता को फंसा रहा है। मेरा 3 बच्चा, मेरा भविष्य उसके लिए मायने नहीं रखता है डीएसपी सर के लिए, लेकिन दरोगा की पत्नी, उसका बच्चा मेरा घर पे बोल के गया। जैसा आप एविडेंस दे रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह का गवाह मिल रहा है, सरासरी मेरा दरोगा फंस जाएगा। ऐसा काम कीजिए, वो आश्वासन दिए, देखिए हम लोग कितना बेवकूफ हैं कि आज डीएसपी का आश्वासन पे हम रह गए। अच्छा, हमको पता चला कि डीएसपी साहब ऐसा भी बोले कि आप किसी मीडिया वाले के पास मत जाइए, कहीं बयान मत दीजिए। हम बता रहे हैं ना कि बोला कि हम छोड़ देंगे, आप मीडिया वाले के पास मत जाइए, आप एसपी सर के पास मत जाइए, कहीं से प्रेशर मत बनाइए, हम पे दबाव पड़ता है, हम अपने स्थान से जांच किए हैं, हम आपका हस्बैंड को सप्ताह भर में छोड़ देंगे। आश्वासन दिए, हम मान गए। आज 1.5 महीने के बाद जब उससे मिलने जाते तो उसका तेवर ही चेंज है। अच्छा। वो हमसे पूछ रहे हैं खुद कि हम किसको गुनहगार ठहराएं। हम दरोगा को गुनहगार नहीं ठहरा सकते, पर आपका इनोसेंट पति को गुनहगार ठहरा चुके हैं और ठहरा देंगे।
वो चार्जशीट नहीं लिखेंगे। देखिए कहीं ना कहीं सारा मामला आपको समझ में आया होगा, इस महिला के साथ क्या परेशानी है। आप लोग इनके बयान के माध्यम से सारा जानकारी आपको मिला है। बताइए इसमें पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लोगों के सुरक्षा के लिए है। अगर पुलिस प्रशासन ही लोगों को फंसाना शुरू कर दे, चलो कोई बात नहीं है, नीचे के जो हैं अधिकारी लोग गलत सही किए तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भी नहीं करना चाहिए। जब ये महिला तीन तीन बच्चे के साथ लगातार पुलिस प्रशासन के सामने, बड़े पदाधिकारी के सामने, एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास लगातार आवेदन पे आवेदन दिए जा रही है, लेकिन इसके आवेदन पे कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब ये अपना दुखनामा सुनाने के लिए डीएसपी साहब के चैम्बर में जाती है ये, तो डीएसपी साहब आँख बंद करके आराम से जो है निंद्र मुद्रा में आ जाते हैं। कोई परेशानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। आखिर क्या इसमें मामला है? कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। वरीय पदाधिकारी, हम तो कहीं ना कहीं, हम जो आईजी डीआईजी साहब हैं बिहार के, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे इस मामले को अपने स्तर से जांच करें, ताकि पुलिस प्रशासन पे जो इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक डीएसपी एसपी रैंक के अधिकारी भी इस मामले को कहीं ना कहीं तहकीकात सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों का जो है पुलिस प्रशासन पे भरोसा उठना तय है। इसी सब के वजह से पुलिस प्रशासन पे लोगों का भरोसा कम हो गया है। ये जो मामला है, इस तरह का मामला, जब मान के चलिए जो थाना में थाना प्रभारी महोदय है, हम पकड़े हैं घर में, परिवार का आरोप है, सॉरी थाना प्रभारी महोदय कहते हैं हम घर से बाहर इनको पकड़े हैं अवैध हथियार के साथ। घर वाले का कहना है मेरा पति मेरे साथ में है रात के 1 या 2 बजे। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, उनका बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि सारे अधिकारी पदाधिकारी दबाल तरप के, आप दिखाइए उस दबाल को, इधर दिखाइए जरा, यहाँ पे देखिए, सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखिए यही वो घर है, पूरा ये ग्रिल जो है ना ये लगा रहता है, इसमें ताला लॉक था, और ये ऊपर से जो है ये ऊपर से पदाधिकारी लोग तरप तरप के आए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो ये आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए जरा, इस फुटेज में स्पष्ट रूप से आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि पुलिस पदाधिकारी वो उनको रोड पर से उठा के लाए हैं कि उनके घर से उठा के लाए हैं। आप लोग भी तय कर सकते हैं कि पदाधिकारी जो बोल रहे हैं वो सही है, कि ये जो आम लोग जो है, ये जो महिला है, पीड़ित महिला है, जो अपने पति के इंसाफ के लिए दर दर का ठोकर खाते जा रही है, आज लगातार 1 महीना 18 दिन हो गया है, लेकिन कोई जिलाधिकारी, जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, कोई इसके जो है मतलब बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग तय करिए कि ये महिला जो सही कह रही है वो सही है, कि जो वहां पे प्रशासन इनके पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आप भी तय कर सकते हैं। देखिए ये महिला आज लगातार 3 बच्चे के साथ परेशान है, बताइए क्या कसूर है इस महिला का, कि आज 3 बच्चे के साथ आज दर दर का ठोकर खा रही है। कहीं कोर्ट कानून पुलिस का दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज ये महिला जो है लगातार ऑफिस का चक्कर काटते जा रही है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, अब आपको किससे इंसाफ मिलने का उम्मीद है? हमको सीबीआई जांच चाहिए। आप मीडिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको बोलिए जो आपके ऊपर है, जिससे हमको इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि प्रशासन पे तो हमको भरोसा नहीं रहा। प्रशासन जिस तरह से मेरे साथ छल पे छल करते गए हैं, अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वर्दी वाले पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच करवाइए। अगर मेरा पति दोषी साबित होता है तो हम अपना पति को छोड़ देंगे, नहीं करवाएंगे बिल। आप मीडिया वालों से भी बात नहीं करेंगे। अगर मेरा पति निर्दोष पाया जाता है तो दरोगा पे कार्रवाई किया जाए। हम ऐसा जांच चाहते, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस महिला का स्पष्ट कहना है, अगर घटना में सच्चाई है तो फिर सीबीआई जांच क्यों न हो जाए एक बार। कि जिलाधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम बेलोड़ी चौक से, मेरे पास एविडेंस है, वो दरोगा जो लेके गए हैं उनके पास एविडेंस नहीं है कि मेरा पति को चौक से उठाए हैं। आप खुद ही डिसाइड कीजिए। इस सुनसान जगह में हम एक घर में रह रहे हैं अपने 3 बच्चा पति के साथ। इस सुनसान जगह में कोई भी ऐसा पति होगा जो कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़ के 1:30 बजे रात में चौक चौराहे पे भटकेगा? आप भी एक हस्बैंड होंगे, आप भी किसी का पापा होंगे। आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस तरह का आप कीजिएगा अपना वाइफ। और मैडम, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहते हैं, इसलिए रोकना चाहते हैं, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्ष्य आपके पास बहुत बड़ा एविडेंस है, आप सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। वैल्यू नहीं दे रहा आपका अधिकारी, साक्ष्य का बात भी नहीं कर रहा का अधिकारी। हम तो सबको साक्ष्य दे दे के थक गए। हर एक जगह जहाँ भी हम आवेदन लगाए उसके साथ पेन ड्राइव लगाए हैं, पेन ड्राइव का बात तक नहीं कर रहा आपका अधिकारी।
क्यों नहीं आज पेन ड्राइव का बात कर रहा है, क्यों दरोगा कहीं लिखा हुआ सही है, क्योंकि उसके पास प्रशासन है, उसके पास पावर है, उसको पावर मिला है कि आप दोषी को दोषी नहीं साबित कीजिए लेकिन निर्दोष को दोषी साबित कीजिए। इस वजह से उसको पावर मिला है। तो मेरा मेरा सबूत, मेरा वर्ड कहा हुआ, मेरा सच्चाई का कोई मोल नहीं है प्रशासन के पास, मेरा सच्चाई का कोई मोल नहीं है, मेरा एविडेंस का कोई मोल नहीं है। इसके आधार पर हम चाहते हैं कि मेरे पति के केस में सीबीआई जांच बैठे और हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आखिर आपके पति को पुलिस पदाधिकारी के द्वारा क्यों फंसा दिया गया, क्यों इसके ऊपर केस कर दिया? मोटा रकम मिला है दरोगा साहब को मेरे पति को फंसाने में, मोटा रकम मिला है। पुलिस जनता का सेवा नहीं करता है, पैसा का सेवा करता है, समझे ना? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, ये बताइए, खुल के बताइए। इसी बात है कि मेरा नंदोसी का जो जमीन जोते हैं ना, अस्पष्ट रूप से पहले दरोगा को मैनेज किए हैं, फिर मेरा हस्बैंड को उठाए, जस्ट मेरा हस्बैंड को उठाने से जेल पहुंचने से 10 दिन भी नहीं बीता है, मेरा नंदोसी मेरे साथ में उधर एंगेज हुए केस कानून में दौड़ बढ़ा में, हम एविडेंस जगह जगह देने के लिए पहुंचे, यही बीच में मेरा नंदोसी का फसल लगा हुआ खेत जिसमें ढैचा और क्या कहते हैं पटवा छिटल था, पूरा फसल बर्बाद किया, अलग खेत जोत के घर बनाया हुआ था उसमें घर तोड़ ताड़ के पिलर उखाड़ के सब कुछ तहस नहस करके वहाँ पे डेरा डंटा डाल के ब्रोकर लोग रह रहे हैं। मेन कारण था इनका जमीन हासिल करना और इसके वजह से आड़ा आड़ा था मेरा पति, मेरा नंदोसी अकेले रहते हैं, उस जमीन का देखभाल कर रहे थे, इनका साला था, दोनों साला वो नहीं मिलके, अब किसी का भी बहन का पति है तो आधा जमीन का तो देखभाल करेगा ही, कोई भी भाई हो, सभ्य समाज में आप भी रहते हैं, आपको भी मालूम है कि परिवार में कैसे चला जाता है, आपका प्रॉपर्टी रहे या मेरा प्रॉपर्टी रहे, आपका परेशानी रहे या मेरा परेशानी रहे, सब आपस में मिलजुल के बांटते हैं। कहीं ना कहीं आपका स्पष्ट कहना है कि ये जो यहाँ पे ब्रोकरिंग चलता है बस वही सब का जो है गैंग, जो है जो गैंग जो ब्रोकरिंग चलता है, सरासरी सारा ब्रोकर को हम इल्जाम नहीं दे रहे हैं, जो ब्रोकर इस जमीन में इन्वॉल्व है, जो इस जमीन को जोता है, इनडायरेक्टली जब ब्रोकर बोला भी है कहीं ना कहीं कि हम इनका पति को उठवाएं तब इनका खेत जोते। अच्छा, ऐसा मतलब धंधेली चल रहा है और प्रशासन कान में तेल डाल के सुन रहा है और सो रहा है, क्योंकि उसको तो मोटा रकम उसका पैकेट गरम कर दिया गया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। चलिए देखिए, स्पष्ट मांग है और जब डीएसपी साहब से मिलने जाते हैं तो डीएसपी साहब स्पष्ट शब्द में कहते हैं हम आपके पति को बचाएं कि हम अपने दरोगा को बचाएं। बताइए, जब गलती करते हैं कोई तो आप क्यों बचाते हैं किसी को? किसी को आपको बचाना नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आना चाहिए, चाहे वो आपके दरोगा दोषी हो तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर इनके पति दोषी हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष हैं, अगर ये इनके पति निर्दोष हैं तो इसके ऊपर जरा सा भी ये जो आप कानून का डंडा चलाए हैं ना, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। हम नम्र निवेदन करेंगे वरीय पदाधिकारी महोदय से, सीबीआई जाँच की मांग करती है ये महिला कि मेरे पति के केस में सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट रूप से हो जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा गैंग शामिल है, इसके कहने के अनुसार अगर ये सारा सीबीआई जांच हो जाए तो सारे गैंग के लोग इसमें सामने आएंगे और जो पदाधिकारी अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है इसके आवेदन पे, कहीं ना कहीं उस पदाधिकारी के ऊपर भी आँच आएगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, क्या सोचते हैं आप इस महिला के बारे में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये महिला जो आरोप लगाई है प्रशासन के ऊपर, जो सवाल खड़ा किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है प्रशासन के ऊपर, कहीं ना कहीं इसका अपना निजी रह है। टीवी टाइम्स न्यूज इनके बातों को पुष्टि नहीं करता है। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।